नागिन 6 में अपने बच्चों को बचाने के लिए प्रथा ने फैलाई झोली महादेव के सामने। वेल, क्या है पूरी खबर, चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ गेशवी और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वेल, नागिन 6 इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं में है, जहां पर काफी ज्यादा टर्न एंड ट्विस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। वेल, शो में एक बड़ा लीप दिखाया गया है और 20 साल का लीप जो है शो में दिखाया गया है। वहीं प्रथा के अब बच्चों को दिखाया गया है जो कि ट्विंस बच्चे हैं, जहां पर प्रथा जो है हाल फिलहाल महादेव के सामने झोली फैलाते हुए नजर आ रही है और महादेव से उनका कहना है कि एक माँ जो है वो आपके सामने अपनी झोली फैला रही है अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, अपने बच्चों की सलामती के लिए, और उनकी लाइफ में जो कुछ भी चीजें चल रही है और उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी बच्चों की लाइफ में ना आए और उनका प्रभाव उनके बच्चों की लाइफ में ना पड़े। तो इस तरीके से जो है हाल फिलहाल प्रथा जो है वो महादेव के सामने झोली फैला रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जहां प्रथा के दोनों बच्चे जो हैं वो बारिश में हैं, और जहां एक तरफ प्रथा महादेव से विनती कर रही है, प्रार्थना कर रही है, वहीं दूसरी तरफ महादेव जो है वो वाकई में प्रोटेक्शन करते हैं प्रथा के बच्चों की। दरअसल जहां बारिश हो रही है, तूफान हो रहे हैं, और ऐसे में बच्चे जो हैं वो वहां पर खुले में हैं, उनके ऊपर कोई छत नहीं है, तो ऐसे में नागिन जो है वो जाती है और उनके ऊपर एक प्रोटेक्शन कवर जो है वो बनाती है। तो इस तरीके से जो है ये प्रोमो सामने आए हैं। वो देखना ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या प्रथा की विनती जो है वो महादेव सुनते हैं, क्या उनके बच्चों पर कोई भी आपदा जो है वो नहीं आती है। वो देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है नागिन 6 में। क्या है आपके रिएक्शन, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बॉलीवुड टेलीविजन और एंटरटेनमेंट जगत की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।